अरुणाचल प्रदेश विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन को संबोधित करिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुई दिन अरुणाचल प्रदेश गस्तरे आज ईटानगर विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन को संबोधित करिछंती महामहिम निज वक्तव्य रे राष्ट्रपति कहिछंती आज भारतर प्रगतिर एक गुरुत्वपूर्ण उत्स होउछ अरुणाचल प्रदेश ए राज्यर सरल तथा विश्वस्त बासिंदा देशर आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति रे अमूल्य अवदान रखिछंती विकास और जनकल्याण प्रसंगे आमको एक सहमति गठन करने आवश्यक से ही जलवायु परिवर्तन प्रति प्रतिबद्धता देखा अरुणाचल प्रदेश निष्पत्ति राष्ट्रपति अन्य राज्य माने प्रेरणा ग्रहण करी एही मॉडल ग्रहण करने दिगरे आगे बोली विश्वास रखिता से अरुणाचल प्रदेश देशर नेचुरल फ्रूट बॉल भाव उफा हेबार सामर्थ्य रखी कमला एवं क्यूई उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान में थे अलैच उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान में रही अरुणाचल प्रदेश संस्कृति विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य राज्य को भारत में एक स्वतंत्र स्थान देठाकर लोकों सामर्थ्य और सफलता आज समग्र देश अरुणाचल प्रदेश को एक नूतन दृष्टिकोण देखुंत राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश विधानसभा समेत समस्त राज्यसभा तथा लोक प्रतिनिधित्वर अन्य अनुष्ठान महिला अंशग्रहण वृद्धि होगा उचित बोली महामहिम आम देशर सामग्रिक विकास प्रत्येक कार्य महिला मानकर अधिक अंशग्रहण होगा उचित बोली से ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि विकास का सूर्य अरुणाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश आज भारत की प्रगति की धारा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावान निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तक विकट समस्या है, जिनका समाधान हमें शीघ्रता से खोजना है। अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए ये मुद्दे भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि इस राज्य के नीति निर्माताओं ने इस विषय पर ध्यान रखा है। अरुणाचल प्रदेश ने पाके डिक्लारेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का संकल्प लिया है।